आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बुलंदशहर में अलाव जाने से हुआ है दर्दनाक हादसा, जहां झोपड़ी में आग लगने से एक वृद्ध समेत तीन पशुओं की मौत की खबर मिली है। आपको बता दें कि बुलंदशहर में अलाव की वजह से एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, जहां झोपड़ी में आग लगने की वजह से एक वृद्ध समेत तीन पशुओं की मौत हो गई है। बुलंदशहर से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर ठंड के कारण अलाव जलाना एक वृद्ध को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि अलाव जलाने के कारण एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर झोपड़ी में आग लगने की वजह से एक वृद्ध समेत तीन पशुओं की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं बुलंदशहर से बड़ी खबर पर आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां सरकार के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। बेरोजगारी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर छात्रों ने सरकार पर नौकरी न देने का गंभीर आरोप लगाया है। बीते तीन सालों में फौजी की भर्ती न होने से ये छात्र नाराज नजर आए हैं, जहां पर छात्रों ने नारेबाजी करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। खुर्जा तहसील का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर आज छात्रों का प्रदर्शन बुलंदशहर में देखने को मिला है। आपको बता दें कि छात्र रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां सरकार के खिलाफ छात्रों का गुस्सा देखने को मिला है। बेरोजगारी जो थी उसको लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिला है। छात्र लगातार भर्ती की मांग कर रहे थे, फौजी भर्ती को लेकर प्रदर्शन जो है वो अपनी मांगे तेज कर रहे थे। उनका कहना है कि बीते तीन सालों से अभी तक फौजी की भर्ती की प्रक्रिया नहीं हो पाई है, जिसके कारण अब छात्रों का रोष देखने को मिला है। वहीं इसी बीच फरुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकता मिला है एक युवक का शव। देर शाम युवक घर से गायब बताया जा रहा था, जिसके बाद ये मामला सामने आया है। फिलहाल घटना पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में शव को भेज दिया गया है। फॉरेंसिक टीम भी मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मरु दरवाजा क्षेत्र के खंडिया गांव का यह पूरा मामला आपको फरुखाबाद से बता रहे हैं, जहां पर एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकता मिला है युवक का शव। देर शाम युवक घर से गायब हो गया था, जिसके बाद अब उसका शव बरामद किया गया है। फिलहाल घटना पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे फरुखाबाद संवाददाता सुंदरम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुंदरम, आज एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटकता हुआ बरामद किया गया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी, थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र ग्राम खड़िया स्थित शिव शंकर सिंह के अमृत का बाग है, वहां पर इसका शव पाया गया था। और जब इसके परिजनों द्वारा जो सुबह से गायब था लड़का थाने में तहरीर देने के लिए जा रहे थे, उन्हें जानकारी हुई कि एक युवक का शव जो है वो एक बाग में पाया हुआ है और वहां पे लटका हुआ है। तो वहां पे जाके देखते उन्हें पता चलता है कि उनका पुत्र है, और वहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया है। परिजनों द्वारा इस युवक की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। सुंदरम, इस पूरे मामले पर जो परिजन आरोप लगा रहे हैं, क्या उन्होंने किसी नामजद इंसान पर इस हत्या की जो आशंका जताई है? जी, अभी तक परिजनों द्वारा किसी व्यक्ति का इसमें नाम नहीं लिया गया है, वो उनके द्वारा अज्ञात लोगों पे ही इस हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। जी, वही शव बरामद होने के बाद से पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्यवाही अब तक देखने को मिली है? जी, जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंचती है और फॉरेंसिक टीम भी वहां पर जांच पड़ताल में जुट जाती है, सबूतों को जुटाती है। पुलिस द्वारा सबका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। क्या अब तक जो फॉरेंसिक टीम है उसे अभी तक हत्या को लेकर या फिर जो ये शव बरामद हुआ इसको लेकर कोई भी सुराग हासिल हुआ है? जी, अभी इसके बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फरुखाबाद से पूरी खबर सामने आई है, जहां पर फांसी के फंदे पर एक युवक का शव बरामद किया गया है। और इसी बीच फतेहपुर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेसियों का हल्ला बोल देखने को मिला है। जिला अध्यक्ष के साथ
कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ता। सहारा और पल्स कंपनी पर गंभीर आरोप कांग्रेसियों के द्वारा लगाए गए हैं, जहां लोगों का पैसा वापस ना करने का कंपनी पर आरोप लगाया गया है। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन फिलहाल जिलाधिकारी को सौंपा गया है। फतेहपुर में कांग्रेसियों का यह हल्ला बोल देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर ज्ञापन सौंपा गया है जिलाध्यक्ष के साथ। कलेक्ट्रेट में कार्यकर्ता जो थे वो पहुंचे हुए थे कांग्रेसी, जहां पर एक सहारा और पल्स कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जहां पर कंपनियों पर लोगों का पैसा ना वापस करने का आरोप लगा है। फिलहाल राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ज्ञापन सौंपा गया है कांग्रेसियों के द्वारा। आपको बता दें कि कांग्रेस का यह हल्ला बोल देखने को मिला, जहां पर सहारा और पल्स कंपनी पर कांग्रेसियों के द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया है, जो आरोप लगा है कि लोगों का पैसा इन कंपनियों ने वापस नहीं किया है, जिसके बाद अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। और इसी कड़ी में आज राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है, जहां पर लगातार कार्रवाई की फिलहाल मांग की जा रही है। फतेहपुर से पूरा मामला सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी यहां पर मौजूद हैं, जहां पर जिलाध्यक्ष के साथ तमाम कार्यकर्ता जो थे वो कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे, जहां पर सहारा और पल्स कंपनी पर आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है। ये जो पूरा ज्ञापन है ये राज्यपाल को संबोधित है, जिसके बाद राज्यपाल से कार्यवाही की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेसी जिलाध्यक्ष तमाम कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे, जहां पर सहारा और पल्स कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की जा रही है। कांग्रेसियों का आरोप है कि इन दोनों ही कंपनियों ने लोगों का पैसा वापस नहीं किया है, जिसके बाद अब इन दोनों कंपनियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। और इसी कड़ी में आज राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जो था वो कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा गया है, और जिलाधिकारी से ये मांग की गई है कि तत्काल इस ज्ञापन को राज्यपाल तक पहुंचाया जाए और पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए। बड़ी खबर सामने आई है फतेहपुर से, जहां पर कांग्रेसियों का हल्ला बोल देखने को मिला है। आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्ष के माध्यम से ज्ञापन एक राज्यपाल को संबोधित सौंपा है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।